मध्य प्रदेश की रीवा की ओर ले चलते, जहां जनता दल सेकुलर के प्रदेशाध्यक्ष शिव सिंह एडवोकेट ने रीवा आरटीओ आगजनी कांड के पीड़ित साथियों से मिलकर उनका हाल जाना एवं आरटीओ मनीष त्रिपाठी से चर्चा कर तत्काल पुलिस कार्रवाई कराए जाने एवं पीड़िता को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की तथा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली से भी जांच कार्रवाई हेतु चर्चा किया। दौरान निरीक्षक आरटीओ मनीष त्रिपाठी भी मौजूद रहे। घटना के संबंध में शिव सिंह ने बताया कि 29 दिसंबर की दरमियानी रात्रि असामाजिक तत्वों द्वारा आगजनी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके चलते कई अभिकर्ताओं जिनमें दीप नारायण सिंह, अवध नारायण शर्मा, रविशंकर मिश्रा, रामचंद्र तिवारी, रुकमणी रमण सिंह, ब्रजेश रजक, सलाम बैग, अशोक सोनी, संतोष सोनी, संजय सोनी, सुग्रीव संकेत सहित रजनीश पटेल की पान की गुमटी सहित संपूर्ण सामग्री जलकर खाक हो गई, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ था। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मध्य प्रदेश रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। आपका पसंदीदा चैनल प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज स्टार टीवी पे उपलब्ध है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।